एक दास से एकादश दिन तक गणेश जी ने महाभारत को लिखा है। और महाभारत को किसने सुनाया है? कृष्ण जी ने सुनाया है। किसको सुनाया है? अर्जुन को सुनाया। अर्जुन गजानन भूत गणाद सेवितम कपेत जम्बो फल चार भक्षणम उमासितम शोक विनाश कारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। गणेश जी की मान्यता है गणेश चतुर्थी महोत्सव। गणेश चतुर्थी का मतलब होता है गणेश जन्म। गणेश जी का जन्म होता है गणेश चतुर्थी को, इसलिए उनकी विशेष करके मान्यता होती है, इसलिए गणेश चतुर्थी को उनको विराजमान किया जाता है। और ये अनंत चतुर्दशी तक मान विराजमान किया जाता है, एकादश दिन के लिए, 11 दिन के लिए। और 11 दिन इनकी पूजा विशेष करके होती है। जब 11 दिन की पूजा होती है तो एकादश की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि स्म प्रभा और निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा विनायकम गुरुर् भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धे। गणेश जी कहते हैं जब सरस्वती जी विराजमान होती है कंठ पर तो हमारे अंदर से अच्छी वाणी निकलती है। अच्छी वाणी निकलेगी तो गणेश जी की हमारे ऊपर कृपा होगी। जब गणेश जी की हमारे ऊपर कृपा होगी तो हमारे अंदर जो भी गंदी है, गंदे विचार हैं और कोई ग्रह है, उनको हमारे गणेश जी ख़त्म कर देते हैं। माल लगाते हैं उन पर, विशेष करके ख़त्म कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारे गणेश जी कहते हैं कि एक दंतम दया ओम श्री भग समुख एक दंतश्च कपलो गज करण का लंबो दृष्ट विकेतो विघ्ननाशिनो विनायका। एक दास से एकादश दिन तक गणेश जी ने महाभारत को लिखा है। और महाभारत को किसने सुनाया है? कृष्ण जी ने सुनाया है। किसको सुनाया है? अर्जुन को सुनाया। अर्जुन से कहा है हे अर्जुन, कोई किसी का अपना नहीं है, कर्म ही एक प्रधान है। वही गणेश जी कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्ध साधिके और शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणेर नमोस्तुते। जो गौरी को विराजमान करता है और गौरी के प्रभाव से चलता है, माता प्रभाव के कृपा से चलता है, और उसी प्रकार से गणेश जी भी चले। गणेश जी ने सबसे पहले गौरी जी को पूजा, गौरी जी की आज्ञा माने, आज्ञा मान करके द्वारपाल बने और द्वारपाल बन करके अपने पिता से युद्ध किया। अपने पिता से युद्ध जब किया तो पिताजी ने, महेश जी ने, शंकर जी ने उनके धड़ से अलग कर दिया, गर्दन अलग कर दी। और गौरी जी को जब मालूम हुआ, सती जी को जब मालूम हुआ तो उन्होंने हट की विलाप किया तो कहा हे प्रभु मेरे पुत्र को जिंदा किया जाए। तो महेश ने कहा कोई भी माता ऐसी हो जो अपने पुत्र के, अपनी संतान के प्रति भेद रखती हो और पीट करके सोती हो तो उस पुत्र को लेकर के आइए। सभी ने आज्ञा माने, आज्ञा मान करके भूतगढ़ जो उनके गढ़ थे सभी खोजने के लिए गए। तो एक हथनी जो होती है ना, हथनी कभी भी जब सोती है तो अपने पुत्र की तरफ पीट करके सोती है। पीट करके सो रही थी, वहाँ पर देखा कि पीट करके सो रही है तो उनके गढ़ हथनी के बच्चे को लेकर के आए। और बच्चे को जब लेकर के आए तो उनका शीश गणेश जी के लगाया, गणेश जी की उत्पत्ति हुई। उनको कहते हैं आद गणेश। एक आद गणेश होते हैं और एक गणेश जी होते हैं। आद गणेश जी की पूजा सभी जगह की जाती है, जो शंकर जी के विवाह में भी हुई और हम भी आज करते हैं। सतयुग से लेकर के द्वापुर तक आद गणेश जी की पूजा होती है। इसके ही कारण हम गणेश जी का महोत्सव करते हैं, जन्मदिन करते हैं और एकादश दिन के लिए विराजमान करते हैं। इसमें ऋषि पंचमी भी आती है, बलदाऊ जी का जन्मदिन भी आता है, राधा अष्टमी भी आती है। और इसी विशेष करके 11 दिन में जितने भी पर्व आते हैं ना, इतने पर्व किसी भी महीने में नहीं आते। इसके लिए भाद्रपद मास का, चतुर्मास का विशेष फलदायी महीना है, इसलिए गणेश जी का जन्मदिन हम मनाते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय।